Hi everyone, welcome to Rest to IIT. So my dear friends, today I am here to discuss about JEE Advanced 2020, JEE Advanced Maths 2020, most important questions. So this is DPP7, applications of derivatives. So my dear friends, you can also consider it. So that is mock test 7 mein maine 10 questions bana ke de raha hu. 18 questions bahut important hai. इसी टाइप का ही क्वेश्चन जनरली जेई एडवांस एग्जाम में पूछा जाता है. क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर? सो इफ़ यू डू नॉट सॉल्व दोज क्वेश्चन, सो यू कैन वॉच माय रैंकर्स मैथ सीरीज. रैंकर्स मैथ सीरीज मैंने जो बनाया है ओनली जेई एडवांस एस्पिरेंट्स के लिए. क्लियर? सो दिस इज, इस पर क्या है, देखो हर एक चैप्टर्स का ऊपर 40 से 50 अच्छा अच्छा क्वेश्चन है जो जेई एडवांस एग्जाम में पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज़ है. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का ऊपर इतना क्वेश्चन है. इफ़ यू कैन रिमेंबर दिस क्वेश्चन, सो आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का 100%. सो माई डियर फ्रेंड्स, मुझे जो लगता है रैंकर्स मैथ सीरीज इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन द इंडियन मार्केट. क्लियर? अभी तक किसी ने ऐसा करके रैंकर्स मैथ सीरीज को नहीं बनाया और इतना बड़ा बड़ा जो इंस्टीट्यूट है वो भी प्रोवाइड नहीं किया. क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ इज ए जो रैंकर्स मैथ सीरीज में मैंने ये सारे बुक को फॉलो किया, बूस्टर सीरीज, मैकग्रोहिल पब्लिकेशंस, बुक्स बाय समीर बंसल, बुक्स बाय बालाजी पब्लिकेशंस, फिजी स्टडी पैकेज, बंसल स्टडी पैकेज एंड वाइब्रेंट का स्टडी पैकेज को मैंने क्लियर अच्छा से स्टडी करके अच्छा अच्छा क्वेश्चन को मैंने इस पर रखा है. इसीलिए ये देखना बहुत ज़रूरी है. क्लियर? सो माई डियर फ्रेंड्स, टोटल क्वेश्चंस मैंने 1500 डिस्कस किया. ये 1500 क्वेश्चंस का करने के बाद आपका अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, सो दैट टाइम नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी कैन मेक यू फूल इन द एग्जामिनेशन. सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डिफिकल्टी. सो माई डियर फ्रेंड्स, सो जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, सो दैट टाइम सिलेक्शन इज पक्का, कोई आपको रोक नहीं सकते. ठीक है? क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज क्या, आज का जो क्वेश्चन है, क्लियर? आज का जो पेपर है, सो दिस इज़ द पेपर ऑफ टुडेज पेपर. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस मुझे अच्छा लगता है, ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है. क्लियर? जो जी एडवांस देना नहीं चाहते, ये क्वेश्चंस को सॉल्व ना करें. ठीक है? अदरवाइज यू क्लियर, आप एक भी क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई फॉर व्हिच दिस, ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इफ़ एम एंड एन बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस, देन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होगा, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम कितना होगा, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम ऑफ एफ एक्स इज दिस. क्लियर? सो नाउ ये जो क्वेश्चन है, देखो, सो दिस इज बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है. बहुत अच्छा रिसर्च करके मैंने क्वेश्चन बनाया. इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन दिस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इन ए लाइज, दैट मीन्स क्या, वैल्यूज ऑफ ए तुम्हें फाइंड करना है. लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस, इफ एफ एक्स हैज़ एक्जैक्टली 7 क्रिटिकल पॉइंट्स, देन द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए है. नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ सी सच दैट द स्ट्रेट लाइन दिस टचेज द कर्व इज दिस, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसका मैक्सिमम वैल्यू. सो माई डियर फ्रेंड्स, इफ यू कैन सॉल्व क्लियर 8 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पेपर, दैट मीन्स योर परफॉर्मेंस इज फैंटास्टिक. क्लियर? इफ यू कैन सॉल्व लेस देन 50%, सो दैट मीन्स आपको रैंकर मैथ सीरीज डेफिनेटली देखना पड़ेगा. रैंकर मैथ सीरीज का वीडियो को देखकर आप अपना कॉन्फिडेंस गेन कीजिए. ठीक है? कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए, उसका बाद इसको करना. ठीक है? क्लियर? सो माई डियर फ्रेंड्स, मैंने जो जेई एडवांस का प्रिपरेशन आप कैसे लोगे, उसके लिए मैंने ये बताया था. जेई एडवांस का प्रिपरेशन आप इसको इसे फॉलो करोगे. ठीक है? क्लियर? सो माई डियर फ्रेंड्स, अभी जो मैंने डीपीपी मैंने अपलोड किया, ये सब का डीटीपी आप अपलोड किया, मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ऊपर ये सेकेंड जाएगा. ठीक है? क्लियर? सो माई डियर फ्रेंड्स, उसके बाद ये सब मैं क्लियर ये सारे डीपीपी मैं अपलोड करूँगा वन बाय वन. आप लोगों ये सारे डीपीपी को अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करना चाहिए. डीपीपी सॉल्व करना मीन्स क्या, आपको रैंकर्स मैथ सीरीज देखना पड़ेगा. रैंकर्स मैथ सीरीज में सारे डीपीपी का सॉल्यूशंस है, इसीलिए रैंकर्स मैथ सीरीज बिना आप जेई एडवांस एग्जाम में बिल्कुल स्टैंड नहीं कर पाओगे. सो माई डियर फ्रेंड्स, इट इज़ नेसेसरी टू वॉच ऑल द वीडियोज इन द रैंकर्स मैथ सीरीज. इसी ऑर्डर पे आप करना. क्लियर? इसके बाद स्टेप 6 है, स्टेप 7 पे. क्लियर? सो माई डियर फ्रेंड्स, उधर प्रोबेबिलिटी परमुटेशंस
ठीक है, ये सारे चैप्टर्स हैं एंड फंक्शंस एंड इंडेफिनिट इंटीग्रल है, क्लियर। पहले यहीं तक करो, यहीं तक जब हो जाएगा उसका बात करना, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, एटलीस्ट यहीं तक तो आपको अच्छे ढंग से पढ़ के जाना चाहिए, तो आप जो ये एडवांस एग्जाम में क्लियर स्टैंड कर पाओगे, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट ए वेरी गुड मार्क्स इन जो ये एडवांस एग्जाम। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्रैक करना है आप क्लियर, दिमाग को कूल रखे, डेली 5 घंटे आपको पढ़ाई करना चाहिए। आपको ये दिमाग में होना चाहिए जी एडवांस का जो पेपर है क्लियर ऐसा इस ऑर्डर पे होता है, 40% ईजी लेवल, 20% मीडियम लेवल, 20% डिफिकल्ट लेवल एंड 20% टू डिफिकल्ट लेवल, ये टॉप 200 रैंकर्स के लिए है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 40% है ये जेई मेन से भी आसान रहता है, लेकिन जेई मेन में डायरेक्ट वे पे होता है, यहीं पे इनडायरेक्ट वे पे होगा, आपको सारे क्वेश्चंस को कैच करना पड़ेगा। इफ़ यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द टॉपिक्स, बेसिक्स ऑफ द सब्जेक्ट्स, देन यू कैन ईजिली कैच अप ऑल दोज क्वेश्चंस। ये खाली मैथमेटिक्स के लिए नहीं है, तीनों पेपर के लिए ही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको डेली 5 घंटा मैथमेटिक्स के लिए पढ़ाई करोगे तो आपको क्लियर 80% मार्क्स मिलने का उम्मीद है, क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, सो एवरीथिंग गधे की तरह पढ़ाई नहीं करना, सिस्टमेटिक वे पे एंड स्मार्ट वे पे पढ़ाई करना, क्लियर। सारे प्लानिंग डिजाइनिंग करके मैंने तो मेरा चैनल पे अपलोड किया, आप लोग वो सारे फॉलो करना है। इफ़ यू वांट टू गेट ए वेरी गुड मार्क्स इन जेईई एडवांस एग्जाम्स, यू हैव टू फॉलो मी, फॉलो माई चैनल, फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस एंड प्रैक्टिस दीज प्रॉब्लम्स properly, then you feel comfortable in the subjects. That's all my dear friends. If you like this video, please share this video to all of your Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram and Twitter friends, as well as all social medias around the world. Don't forget to subscribe my channel, Rest YD. Thank you very much for watching my video. That's all my dear friends.